वारिक वजहत आज के सेवन ऑन डिमांड माय चैनल। आज का जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 5 हम कवर कर रहे हैं नंबर सिस्टम। पहला नंबर सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम। 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, सो ऑन 10^6, ये कंटिन्यूस है। इसको बेस 10 कहा जाता है। लेट सपोज एक नंबर लें 3241, इसको आप लिखें 1 को यहाँ पे, 4, 2, 3 को। अब 3 को आप मल्टीप्लाई करें 1000 से, और 2 को मल्टीप्लाई करें 100 से, 4 को मल्टीप्लाई करें 10 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है। तो 3000 हो गया ये, और 240, और यहाँ पे आ गया 1। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट होता है। लेकिन हमारी जो कंप्यूटर में कम्युनिकेशंस होती हैं, वो सारी जो कम्युनिकेशंस हैं वो डिजिटल कम्युनिकेशंस हैं। और डिजिटल कम्युनिकेशंस के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, 0 होता है और 1 होता है। 0 ऑफ इसका मतलब है इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर करंट नहीं जा रहा, 1 ऑन इसके मतलब है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूव कर रहा है। अब जितना भी हमारा डाटा मूव होता है, जितनी कम्युनिकेशंस होती हैं, वो सब कम्बिनेशंस होती हैं, सारी 0101 की कम्बिनेशंस में होती हैं, जिससे डाटा जो है वो मूव हो रहा है। इस सिस्टम को हम जो है वो कहते हैं बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। या हम इसको आप कह सकते हैं बेस 2 कहते हैं। अब कोई भी डेसिमल नंबर हो, लेट्स सपोज 24 हो, इसको बाइनरी में चेंज करना है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, रिमेनिंग 0, 2 6s are 12, रिमेनिंग 0, 2 3s are 6, रिमेनिंग 0, 2 1s are 2, रिमेनिंग 1 1 1 0 0 0। और यहाँ पे हम इसके अंदर ये जो है वो बाइनरी के अंदर 24 नंबर जो है वो बाइनरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब दोबारा इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे 20 21 22 23 24 25 26 27, और सो ऑन, ये कंटिन्यूस आगे तक जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, 0 यहाँ लिखते हैं, 0 0 1 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं। अब 20 किसके बराबर होता है, 20 बराबर होता है 1 के। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 8, 2 4s are 16, 2 5s are 32, 2 6s are 64, 2 7s are 128, सो ऑन, ये आगे तक भी जा सकता है। अब आपने 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करना है 0, 8 को 1 से 8, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16, 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24। तो ये हमने बाइनरी में डेसिमल 24 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, और उसको दोबारा डेसिमल में इस तरीके से कन्वर्ट किया। हमारा जो आगे हम चल के आपको मैं आईपी एड्रेस समझाऊंगा, वो सारा बेस 2 बाइनरी के अंदर होता है, ठीक है। हमें अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये बेस 2 है। और तीसरा जो हमारा आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा, हमारा एक मैक एड्रेस होता है, वो हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट में होता है, हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट, जिसको आप बेस 16 भी कहते हैं। इसके अंदर फ़र्क ये होता है कि 10 की जगह आप ए लिखते हैं, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई, और 15 की जगह आप एफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस आती हैं, ये बेस 16 है। तो मुख्तलिफ कुछ हमारे आईपी वर्जन 6 और मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल में होते हैं, कुछ बाइनरी में होते हैं। तो इन एड्रेस को समझाने के लिए, इससे पहले कि मैं इन एड्रेसेस को समझाऊं, ताकि आप उसके फॉर्मेट को आसानी के साथ समझ सकें, तो ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। ये सिस्को नेटवर्क एकेडमी का मॉड्यूल 5 है, उसमें आपको नंबर सिस्टम पता चल जाएगा कि डेसिमल सिस्टम होता है, बाइनरी होता है, बेस 16 होता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इससे आगे चल के हम आपको आईपी एड्रेस पढ़ाएंगे, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। जब आईपी वर्जन 6 में एग्जैक्ट डेसिमल की बात होगी तो आपको समझ आ जाएगा, आईपी वर्जन 4 में जब बाइनरी की बात होगी आपको समझ आ जाएगा, मैक एड्रेस में जब एग्जैक्ट डेसिमल की बात होगी तो समझ आ जाएगा। तो ये छोटा सा लेक्चर था, सिंपल सा नंबर सिस्टम समझाने का, ये था मॉड्यूल 5। तो इस चैनल को आप सेवन ऑन डिमांड को सब्सक्राइब भी कर दें, और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। ये पूरा CCNA का कोर्स इस पर आने वाला है, और आगे तमाम अगले वीडियोस भी आप देखें आने।